विद्यार्थियों, फिजिक्स की यूनिट नंबर 3 में पृष्ठ तनाव तथा पृष्ठ तनाव के उदाहरणों के बारे में हम जानकारी पूर्व में ले चुके हैं। अब पृष्ठ ऊर्जा, पृष्ठ तनाव तथा क्षेत्रफल के मध्य कुछ संबंध के बारे में देखेंगे, जिस पर आधारित पेपर में कई न्यूमेरिकल आते हैं। तो इसका बस अपन को संबंध ध्यान रखना है। पृष्ठ ऊर्जा या कार्य दोनों का सूत्र में पृष्ठ तनाव या क्षेत्रफल में परिवर्तन को अगर मल्टीप्लाई गुणा कर देते हैं तो कार्य आ जाता है या पृष्ठ ऊर्जा आ जाता है। यह पृष्ठ ऊर्जा किसकी है? यह पृष्ठ ऊर्जा द्रव के उस भाग की होती है जो वायु के संपर्क में रहता है। पृष्ठ तनाव केवल द्रव में उसी जगह पर लगता है जहाँ पर द्रव की परत वायु के संपर्क में होती है। तो जो द्रव वायु के संपर्क में होता है वहाँ पृष्ठ तनाव के कारण वहाँ के अणुओं की ऊर्जा बढ़ जाती है और अन्य अणुओं की तुलना में जितनी उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है उसको बोला जाता है पृष्ठ ऊर्जा, जो कि उसके कार्य के बराबर होती है। तो इसका सूत्र कुछ कैलकुलेशन करने के बाद आता है पृष्ठ तनाव मल्टीप्लाई बाय क्षेत्रफल में परिवर्तन, W=T×ΔA। अब इस डेल्टा ए के लिए थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा जब भी पेपर में क्वेश्चन आता है। ये डेल्टा ए क्षेत्रफल में परिवर्तन है। क्षेत्रफल में परिवर्तन किसके? द्रव की बूंद या द्रव के बुलबुले में। अब थोड़ा सा यहाँ पर हमें सीखना है कि बूंद और बुलबुले में क्या डिफरेंस है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। यदि द्रव की बूंद काम में ली जाती है तो बूंद का क्षेत्रफल होता है 4πr² और बूंद का केवल बाहरी पृष्ठ वायु के संपर्क में रहता है, इसलिए पृष्ठ तनाव केवल बूंद के बाह्य पृष्ठ पर ही लगता है, इसलिए इसका क्षेत्रफल लिया जाता है 4πr². लेकिन यदि हम किसी द्रव का बुलबुला लेते हैं तो बुलबुले के अंदर भी वायु रहती है और बुलबुले के बाहर भी वायु रहती है। इसका मतलब बुलबुला एक खोखला गोला है पानी के द्रव का। तो इसकी कितनी पृष्ठ वायु के संपर्क में रहेगी? इसकी अंदर वाली पृष्ठ भी वायु के संपर्क में रहेगी, इसकी बाहर वाली पृष्ठ भी वायु के संपर्क में रहेगी। तो अंदर का पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr², बाहर का पृष्ठ क्षेत्रफल भी 4πr². तो बुलबुले के केस में जो क्षेत्रफल होता है वो दुगुना हो जाता है, 4πr² अंदर 4πr² बाहर। तो बुलबुले का क्षेत्रफल अपन कितना लेंगे? 8πr². ये विशेष ध्यान रखना है जब भी कोई न्यूमेरिकल आए, सबसे पहले उसमें यह देख लेना है कि यह द्रव की बूंद है या द्रव का बुलबुला है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस पर बेस्ड अपन एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 0.02 मीटर व्यास के साबुन के बुलबुले को, देखिए यहाँ पर बुलबुला है बूंद नहीं है, को फूंक कर 0.04 मीटर व्यास का बुलबुला बनाने में पृष्ठ तनाव के विरुद्ध कार्य का परिकलन करो। अब इसमें क्या है कि साबुन का जो बुलबुला है उसकी इनिशियल पहले रेडियस कितनी थी? 0.02, तो डायमीटर है, व्यास है, तो उसकी रेडियस हो जाएगी 0.01 मीटर। और जब उसमें फूंक मारी गई अंदर, तो फूंक मारने से बुलबुले का आकार बड़ा हो गया और बड़ा होकर उसकी साइज कितनी हो गई? 0.04 मीटर व्यास, अर्थात 0.02 मीटर त्रिज्या। तो क्या क्या डाटा हमें दिया हुआ है इसके अंदर कि साबुन के बुलबुले के पहले की त्रिज्या 0.01 मीटर, साबुन के बुलबुले के बाद की त्रिज्या फूंक मारने के बाद 0.02 मीटर, और उस द्रव जिस द्रव को हमने बुलबुला बनाया उसका पृष्ठ तनाव 30×10⁻³ N/m². इन तीन डाटा की सहायता से हम किया गया कार्य निकालेंगे। किया गया कार्य कौन सा? पृष्ठ तनाव के कारण साबुन का बुलबुला अपने पृष्ठ क्षेत्रफल को न्यूनतम करने का प्रयास करता है, लेकिन हम फूंक मारकर उसके पृष्ठ क्षेत्रफल को बढ़ाना चाह रहे हैं। अब पृष्ठ तनाव के विरुद्ध कार्य करेंगे जब भी उसका पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ेगा, तो वो कार्य हमें निकालना है। तो हम जानते हैं कि साबुन के बुलबुले का क्षेत्रफल 4πr² होता है, लेकिन साबुन के बुलबुले में दो पृष्ठ होने के कारण इसके क्षेत्रफल को हम लेंगे 2×4πr². तो देख लीजिए आप न्यूमेरिकल में बुलबुले के क्षेत्र, अपन इक्वेशन नंबर 1 देखिए, हमें कार्य फाइंड करना है। कार्य का फॉर्मूला है टेंशन सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाय डेल्टा क्षेत्रफल में परिवर्तन। तो टी साबुन के बुलबुले का पृष्ठ तनाव टी क्वेश्चन में गिवन है, तो हमें बस डेल्टा ए निकालना है। तो डेल्टा ए की कैलकुलेशन हमने इक्वेशन नंबर 2 में की हुई है। देखिए डेल्टा ए इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि साबुन का बुलबुला है। 4πr² बाद का उसका पृष्ठ क्षेत्रफल -4πr² उसी साबुन के बुलबुले का पहले का क्षेत्रफल।
फोर पाई आर स्क्वायर तो है बाद का, पृष्ठ जब हमने फूंक मारी उसके बाद का, और फोर पाई आर स्क्वायर है उसके पहले का, तो अंतर कितना हो जाएगा, फोर पाई आर टू स्क्वायर माइनस फोर पाई आर वन स्क्वायर, और बुलबुला है इसके लिए हमने आगे टू से मल्टीप्लाई कर दिया। इस इक्वेशन के अंदर केवल हमारे पास दो डाटा की जरूरत है, एक आर वन और एक आर टू, जो कि इक्वेशन में ऊपर दिए हुए हैं। इस डेल्टा ए के फॉर्मूले को इक्वेशन नंबर वन में लिखा तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, फोर पाई टी आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर। इसमें हमें केवल तीन डाटा चाहिए, कैपिटल टी, आर टू एंड आर वन, तीनों क्वेश्चन में गिवन है। जब इनकी वैल्यू इसमें पुट करी इन एम केस, न्यूमेरिकल करते समय आप ये भी देख लें कि सब जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है सबका यूनिट सिस्टम सेम होना चाहिए। यदि सबका यूनिट सिस्टम सेम नहीं है तो पहले आप यूनिट सिस्टम को सेम करिए, उसके बाद ही उनकी वैल्यू को पुट कीजिए। जैसे ही इन वैल्यू को एम केस यूनिट सिस्टम में पुट किया जाएगा तो यहाँ पर W की वैल्यू आ गई 2.260 इंटू 10 की पावर माइनस 4 जूल। एम के एस में ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, तो इसका ये आंसर आ गया। तो इसमें हमने देखा कि बुलबुला था इसलिए हमें 4 पाई आर स्क्वायर काम में लिया। यदि मान लीजिए ये इक्वेशन साबुन के बुलबुले की जगह होता, द्रव की बूंद को फूंक कर और 0.05 मीटर व्यास की द्रव की बूंद बना दी गई है, तो सिमिलरली यही आंसर आता पर इसका हाफ आता। उसके लिए हमें इतना वर्क नहीं करना पड़ता क्योंकि क्षेत्रफल में परिवर्तन इससे आधा हो जाता। तो इस प्रकार जब भी कोई क्वेश्चन आए इस बात का विशेष ध्यान रखें, खासकर ऑब्जेक्टिव में आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो चार आंसर दे रखे हैं उनमें बुलबुले के अकॉर्डिंग भी आंसर होगा, बूंद के अकॉर्डिंग भी आंसर होगा। तो ज़्यादातर जो खतरनाक चीज़ होती है वो होती है बुलबुले के केस में, क्योंकि हम दो से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। तो विद्यार्थी विशेष रूप से इसे ध्यान रखें कि जब भी सरफेस टेंशन का कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमें चेक कर लेना है कि वो द्रव की बूंद है या द्रव का बुलबुला है। और इस टाइप के किताब में जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं आप उन्हें करें, और कोई दिक्कत आए तो फिर पूछ लें। ओके, थैंक यू।